हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सीटेट के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और सीटेट के एग्जाम के लिए अब सिर्फ एक महीना बचा है। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एक महीने में सीटेट कैसे क्लियर करें, क्योंकि सीटेट में बहुत कुछ पढ़ना होता है और अब सिर्फ एक महीना है तो इसमें बहुत कुछ आप कवर नहीं कर सकते हो। तो आपको ऐसा कुछ पढ़ना चाहिए जिससे आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स या 100 मार्क्स तक लेके आ सके। तो ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा फोकस करेंगे तो उस सब्जेक्ट से ही आपको अप्रोक्सीमेटली 90 मार्क्स आ जाएंगे, 100 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एक ही सब्जेक्ट से कैसे आपके मार्क्स आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो सीटेट की एग्जाम होती है वो 2 टर्म में होती है, राइट। मतलब कि एक होता है 1st to 5th के लिए और दूसरा होता है 6th to 8th के लिए, है ना। तो अगर हम 6th to 8th की बात करें, दोनों के लिए सेम ही है। तो फर्स्ट क्या होगा आपका, CDP। ठीक है, CDP जो आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, कितने मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का आता है। ओके, 30 मार्क्स का। इसके बाद आपका हो जाएगा साइंस, इसके बाद मैथ्स, हाँ, इसके बाद आपका होगा साइंस मैथ्स इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, ये सारा आपका कितने कितने मार्क्स का आता है, 30-30 मार्क्स का आता है, इतना तो आपको पता ही होगा, राइट। इसको अगर आप प्लस करोगे कितना हो जाएगा आपका, 150, कितना हो जाएगा, 150 मार्क्स। ठीक है, इसमें से आपको 150 में से 90 मार्क्स लेके आना होता है पासिंग मार्क्स। ओके, अब CDP की बात करें हम लोग, तो CDP में पूरा 30 मार्क्स का CDP होता है। ठीक है, CDP पूरा 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस में 15 मार्क्स का जो होता है वो टेक्स्ट बुक का होता है, और जो 15 मार्क्स का होता है वो आपका होता है पेडागोजी। ठीक है, तो जो CDP है ना, ये ही सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, क्योंकि ये जो CDP है वो हर एक जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 15 मार्क्स का आता है आपका CDP, और 15 मार्क्स का आएगा आपका मैथ्स में सॉल्विंग वाले सम्स। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम है आपका और हिंदी में भी आपका सेम है। ठीक है, अगर आप ये सारे 15-15 मार्क्स को प्लस करोगे तो कितना होगा, देखिए 15 प्लस 15 30 राइट। तो 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60, और ये 30 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में फोकस करते हैं जो कि है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसकी ही हेल्प से आपको 90 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, और जो CDP होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इजी भी होते हैं। सिर्फ जो हार्ड होगा वो होगा कि जो थियोरी जिसने लिखी है, जो फिलोसोफर है, उनकी जो थियोरी है वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ताकि क्योंकि उसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसमें ऐसे होते हैं कि अगर बच्चा क्लास में मस्ती कर रहा है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको सोशल साइंस पढ़ाना है तो कौन सी विधि सबसे ज्यादा अच्छी होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो CDP में आते हैं, इतना भी इजी नहीं होता जितना मैंने बताया, पर इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें होते हैं। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगा और काफी यूजफुल भी होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1st to 5th की बात। ठीक है, 1st to 5th। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6th to 8th की, क्योंकि अब सिर्फ बचे हैं एक महीने, तो एक महीने में कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से हमने 90 मार्क्स तो काउंटिंग कर लिए, पर जरूरी थोड़ी कि हमारे सारे 90 के 90 सही ही निकलेंगे, है ना। बट ये भी नहीं है कि आपको ये CDP के क्वेश्चंस के अलावा भी कोई क्वेश्चंस आएगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है ना, क्योंकि इसमें जो होता है उसमें आपको क्या होता है, पैराग्राफ होता है ना। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे, अगर आप हिंदी की बात करें इसमें भी आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे। तो ये तो बहुत ज्यादा इजी होता है, पैराग्राफ पढ़ के ही आपको आंसर फाइंड आउट करना होता है, है ना। तो इसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आते होंगे। इसके बाद साइंस मैथ्स भी जो 6th 7th 8th 9th में पढ़ा है वो वही
एनसीईआरटी का उसमें भी आता है, तो ऐसा है नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आएगा, राइट। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, तो 90 मार्क्स मतलब कि आप आराम से लेके आ सकते हो, सीडीपी पे फोकस करिए। अगर हम पेपर टू की बात करें तो सीडीपी का सेम रहेगा, 30 मार्क्स का आता है, इसमें 30 का 30 पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी ही होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद आपका होगा साइंस एंड मैथ्स, जो कि होता है 60 मार्क्स का, ठीक है। और जो एसएस होता है वो भी आपका आता है 60 मार्क्स का, ठीक है। तो ये 60-60 मार्क्स का तो आता है, तो इसमें जो पेडागोजी होती है वो आती है 20 मार्क्स की, तो 20 मार्क्स के एसएस में आएगी। और जो बच्चे साइंस और मैथ्स के लिए फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए भी 20 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में सेम 30, इसमें से 15 मार्क्स का पेडागोजी, और हिंदी में भी सेम 30 मार्क्स का 15 मार्क्स का पेडागोजी, ठीक है। तो इसको अगर आप काउंट करो कितना हो जाएगा आपका, 15 30 और 30 और ये 30 60 और ये 20 70 80, तो इसमें कितने मार्क्स का आ रहा है, 80 मार्क्स का आपका सीडीपी आ रहा है। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है ना, तो और काफी इजी भी होता है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है आपको। थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप तो डेफिनेटली आप मतलब अब एक महीने में तो आप बहुत झंडे नहीं गाड़ सकते है ना, 130 140 तो नहीं लेके आ सकते, पर डेफिनेटली आप 90 मार्क्स या 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर अभी से आप कंटिन्यूसली एक महीना अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।